Shark Tank, one of the most confident entrepreneurs has been the founder of T-Fit, Ms. Jyoti Bharadwaj, right? इनका product था T-Fit और इनकी pitch बहुत popular हुई थी, जिस तरीके से ये अपने बच्चों को manage करते हुए अपना startup चला रहे थे, जिस तरह अपने orders लेने जब जाती थी हैं, तो अपने बच्चों को लेके जाती थी जैसे इनने बताया, plus जिस तरीके से इनने खट 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 करके अपने product की पूरी price बताई, कितने का इनको पड़ता है, breakup बताया 30-35 रुपए जितने का भी था, तो इनने अपने product के लिए मांगे थे 50 lakh rupees for 3%, बहुत back and forth आगे पीछे negotiation के बाद eventually They agreed on 50 lakh for 8%. आज हमारे पास T-Fit के तीनों flavors available हैं, Peach Ginger Green Tea, Lemon Black Tea and Tangy Toasty Bali Tea. आज हम इन्हें unbox करेंगे, taste test करेंगे और देखेंगे कि is it actually worth it, कितनी healthy है, क्या taste का हिसाब किताब है, so on and so forth. But T-Fit के बारे में बात करना start करें, उसके पहले customary quick wristwatch check. आज मैं पहना हूँ मेरी Seiko SRPD 59K1 with this beautiful sunburst blue dial. इसके हम already video बना चुके हैं, जिनने नहीं देखा आप जाके detail में इसका review देख सकते हैं. आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ. So guys, इनका product online भी मिलता है, इनकी साइट पे मिलता है, अमेज़न पे मिलता है, ये सुपरमार्केट वगैरह में भी मिलता है जहां से मैंने खरीदा है. पीच जिंजर ग्रीन टी को इनने कहा है लीन और ग्रीन कलर से इसको कलर दिया है. लेमन ब्लैक टी को इनने बाउंस करके बोला है ब्लू कलर में. टैंगी टोस्टी बार्ली टी को इनने ग्लो करके बोला है रेड कलर में. ठीक है, अब कितना हेल्दी हिसाब किताब है. चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है. इन द वर्ल्ड फुल ऑफ प्रोसेस फूड ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब पूरी थोड़ी कहानी है. इंग्रेडिएंट्स है प्योरिफाइड वाटर, असम टी, हर्ब एक्सट्रैक्ट, एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव. ठीक है, एनर्जी ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, इसके अंदर क्या है. आमला, तुलसी, गोक्षर, नॉनी फ्रूट, अश्वगंधा, दालचीनी, मरीचा, अल्फा अल्फा, मोरिंगा, यस्ती मधु, कपिकाचू, विद्राकंद, ब्रह्मी, शंख पुष्पी. ठीक है जी, और इसका क्या हिसाब किताब है. पीच जिंजर ग्रीन टी का इसमें कुछ नीचे के इंग्रेडिएंट्स अलग है. यस्ती मधु, खदीर, चित्रक, हरिदा, वृक्ष आमला, कलौंजी. इसके अंदर अनंत तमुला, हरिद्रा, भूई आमला, कुमारी. तो ऊपर के मोटे मोटे इंग्रेडिएंट्स सबके सेम है गाइस, अगर आपने मैच किया होगा. नीचे के 4-5 इंग्रेडिएंट्स थोड़े चेंज हो रहे हैं. ठीक है, ये एक आती है 120 रुपए की. जी हाँ, आपने सही सुना, 120 रुपए की आती है एक. तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद लेमन ब्लैक टी. इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हैं कलर. ठीक है, चलिए टेस्ट करते हैं. चीयर्स टू आयुर्वेदा एंड गुड हेल्थ. ओके, कड़वी सी है गाइस, थोड़ी हल्की सी नेचुरल मिठास है, विच इज गुड. अगर आपने लिप्टन की आइस टी कभी पी होगी ना, फ्लेवर प्रोफाइल काफी वैसा वैसा है, बट उतना शक्कर नहीं है, बहुत हल्की सी स्वीटनेस है इसमें, बहुत कड़वा है ये, काफी कड़वा है. ठीक है गाइस, ये है लेमन ब्लैक टी. अब टेस्ट करते हैं टैंगी टोस्टी बार्ली टी. तो गाइस टैंगी टोस्टी बार्ली टी को टेस्ट करते हैं. चीयर्स टू गुड हेल्थ. तो ज्यादा बेकार है. कड़वी उतनी नहीं है, बट एक अजीब सा फ्लेवर है यार इसका. तो चलिए गाइस लेट्स मूव टू पीच जिंजर ग्रीन टी. ये ऐसा कलर आता है इसका, जैसा आप देख सकते हैं. पीच जिंजर ग्रीन टी, चीयर्स टू गुड हेल्थ. इसमें भी हल्की सी कड़वाहट है गाइस, बट पीच फ्लेवर है ना वो काफी मैनेजेबल बना रहा है. तो गाइस इफ आई रैंक द थ्री ऑन टेस्ट, पहले टेस्ट की बस बात करते हैं. टैंगी टोस्टी बार्ली टी सबसे नीचे गाइस, बिल्कुल पी नहीं जा रही, बहुत अजीब सा इसका फ्लेवर है कुछ. लेमन ब्लैक टी जैसी आप आइस टी पीते हो वैसा ही प्रोफाइल है, शुगर बहुत कम है, हल्की सी स्वीटनेस है बस, वो भी नेचुरल है, एंड कड़वापन थोड़ा ज्यादा है इसमें. पीच जिंजर ग्रीन टी एक जो पीच आइस टी आती है लिप्टन की, अगर आपने पी होगी वैसा फ्लेवर है, कड़वापन काफी कम है और शुगर तो बिल्कुल नहीं है, हल्का सा शुगर है, बट ये पी सकते हो आप, मतलब एक नॉर्मल आदमी जो होता है आप मेरे जैसा, उसको पीने में उतनी दिक्कत नहीं होगी. ये बहुत ही गॉन केस है, ये बीच का है, दिस इज ओके, ट्राई करना हो कर सकते हो. ये हैबिट लगानी पड़ेगी इसकी, ऐसे आप पियोगे आप नहीं पी पाओगे, ये वाली बिल्कुल नहीं पी पाओगे, ये वाली बहुत कड़वी लगेगी, ये वाली थोड़ी थोड़ी करके आप आदत डाल लोगे, बट ये बहुत मुश्किल से आदत लगेगी ये वाली, ये बात ध्यान रखना. ठीक है, ये टेस्ट के लिए नहीं बेच रहे हैं गाइस, ये लोग बेच रहे हैं इसके हेल्थ एस्पेक्ट के लिए, द आयुर्वेदिक हर्ब जो इसमें है ना. अब एक प्रॉब्लम ये है कि हर्ब्स कितनी क्या डाली है, कितना मिलीग्राम है, कितना ग्राम है, ये कुछ नहीं लिखा है. अगर आप यहाँ जाके देखोगे
तो यहाँ पे प्योरीफाई वाटर, टी लीव्स और हर्ब एक्सट्रैक्ट लिख के इसको छोड़ दिया है। इसमें और कुछ नहीं लिखा है कि कौन सी हर्ब कितने ग्राम या मिलीग्राम की है। तो ये एक चीज है, आई थिंक अगर आप इतना हेल्दी तरीके से इसको बेचना चाह रहे हो तो क्लियरली लिख के बताओ कितना ग्राम या मिलीग्राम हर्ब है इसमें, दैट इज पॉइंट नंबर टू। अब गाइस लास्टली कॉस्ट की बात करें तो 300 ml ड्रिंक, एक ड्रिंक आती है 120 रुपए की, 120 रुपीज। ये सुपर रिच 0.0001% इंडियंस जो रहते हैं ना बॉम्बे दिल्ली में, बस उनके लिए है ये प्रोडक्ट। तो बहुत महंगा हिसाब किताब है राइट नाउ। आई थिंक जब प्रोडक्ट बेसिंग का थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी इनके 20,000 कंज्यूमर्स है तो प्राइस कम कर पाएंगे क्योंकि मार्जिन अच्छा खासा था इनके पास प्रोडक्ट पे। तो गाइस ये प्रोडक्ट मैं बस दो तरह के लोगों को लेने के लिए रेकमेंड करूंगा, पहला जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, एंड नंबर टू जो बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा क्रेजी रहते हैं, जो चाहते हैं सारी नेचुरल आयुर्वेदिक चीजें हर चीज में यूज करें। हाउएवर आई विल स्टिल से, क्योंकि इसमें लिखा नहीं कि कौन सा हर्ब कितना मिलीग्राम है, वो एक मिस है मेरे हिसाब से, वो डिटेल में लिखना चाहिए था इनको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार डिसलाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक नहीं किया, बहुत वीडियोस आ चुके हैं, बहुत आने वाले हैं। एंड गाइस आप में से भी बहुत लोग जो पिच देख रहे होंगे वो अपना स्मार्ट वॉच पहन के काफी अपने आपको स्मार्ट और कूल समझ रहे होंगे, बट गाइस ट्रस्ट मी स्मार्ट वॉच कचरा होता है, उठा के फेंक दीजिए। 1,000, 2,000, 3,000 में गाइस एक से एक घड़ियां आती हैं कैसियो की, टाइमिंग्स की, HMT की। इस चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए, बहुत सारा कंटेंट दिया आपको किस तरीके से अपना वॉच कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, टाइमलेस क्लासिक वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन स्मार्ट वॉच के कचरों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।